आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वी मेक विच इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वी मेक कैश फ्लो एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। IAS 7 जो है उसमें गाइडलाइंस हैं। IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 हमें गाइड करता है कि हमें किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करना है। देखिए, सबसे पहले ये बात याद रखें कि वी कैन क्रिएट कैश फ्लो बाय टू मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इन टुडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन यू इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो। इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फ़र्क होता है। देयर आर 3 एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये जो क्लास है इस वक्त ऑनलाइन क्लास हो रही है जूम पर विद द स्टूडेंट्स ऑफ PF किट। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश फ्लो बनाया जाता है। कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, कैश फ्लो का मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों होता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ फ्लोज आर कॉल्ड कैश फ्लो। जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपको मेरे फेसबुक के वॉल पे मिल जाएगा, और XYZ कंपनी इसका नाम है। और इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर है, जो ऑपरेटिंग नेट इनकम है, वो 41 से सवाल शुरू हो रहा है। तो होता कुछ इस तरह से, इस सवाल में हुआ कुछ इस तरह से कि बैकग्राउंड में हमारे पास 2 बैलेंस शीट्स हैं और 1 इनकम स्टेटमेंट है। अब बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट बनते हैं अक्रूअल बेसिस पर। कौन से बेसिस पर बनते हैं? अक्रूअल बेसिस पर बनते हैं। तो अक्रूअल बेसिस का मतलब ये हुआ कि हम तमाम क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, तमाम क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, तमाम क्रेडिट एक्सपेंसेस और कैश बेस्ड एक्सपेंसेस, हम सबको इकट्ठा करते हैं, सारे कॉस्ट और एक्सपेंसेस को जो कि कैश बेस्ड और क्रेडिट बेस्ड होती है, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या टोटल रेवेन्यू में से, हम टोटल कॉस्ट को, टोटल एक्सपेंसेस को बाद में माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनने का क्या मतलब हुआ? इस तरह से मतलब हुआ कि ये अक्रूअल बेसिस पर बना हुआ है। और इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उसमें होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं। ऑपरेटिंग इनकम भी होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती हैं। ऑपरेशन का मतलब मैं जिस चीज़ में काम कर रहा हूँ बुनियादी, वो ऑपरेशन को डिफाइन करती है। तो अब जब हमारे अकाउंटेंट ने 41 का प्रॉफिट निकाल कर हमें बताया कि दिस इज़ द प्रॉफिट फॉर 41 ऑफ 41, और ये आपके हाथ में रख दिया, तो ये प्रॉफिट अक्रूअल बेस्ड था। हमें इस प्रॉफिट को कैश बेस्ड बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम क्वेश्चन को 1 by 1 देखेंगे। हम क्या करते हैं कि इस प्रॉफिट में सबसे पहले वो आइटम्स जो कि नॉन कैश बेस्ड आइटम होते हैं वो हम जमा कर देते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में जमा हुआ है। ये दरअसल प्रोविजन नहीं, दरअसल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है जो इस साल अकाउंटेंट ने एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया था। तो अकाउंटेंट ने डबल एंट्री क्या बनाई थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। नहीं, ये एंट्री नहीं बनाई थी, ये एंट्री नहीं बनाई थी। यस, अकाउंटेंट ने एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आप मेरे साथ मेरी लय में ज़रूर चलें लेकिन अलर्ट रहें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ बैंक कभी क्रेडिट नहीं होता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ अलाउंस या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने डेबिट किया, अलाउंस को क्रेडिट किया, अकाउंटेंट हैं हम, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन कैश बेस्ड, नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंस। अब उस एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट गिर गया था, गिर के 41 हो गया था। अब हम अगर ये चाहें कि हम कैश फ्लो को करेक्ट करें तो हमें तो कैश फ्लो वाला प्रॉफिट वो चाहिए जो कैश बेस्ड होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम उस 41 को, उस 41 में ये जो 18 का हमारे पास जो नंबर आ रहा है, जिस नंबर में हमारे पास ये दिखाया गया है कि ये डेप्रिसिएशन है, इसको हम ऐड बैक कर दें। तो हमने पहली चीज़ ये सीखी कि तमाम वो आइटम्स
जो कि नॉन कैश आइटम्स होते हैं वो सब ऐड बैक हो जाते हैं। कहाँ पर? वो ऐड बैक हो जाते हैं हमारे प्रॉफिट में। अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अमाउंट पता है, वेरी गुड, वंडरफुल। और अगर नहीं पता है तो फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और टी अकाउंट बनाकर वहाँ से उस नंबर को ड्राइव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उस नंबर को। लेकिन आपके पास सिचुएशन इस सवाल में ऐसी है, सवाल दिखाएं साथ, कि सवाल में ऐसी है कि आपको डेप्रिसिएशन उसने निकाल कर दिया हो। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे गेन हुए हैं जो गेन तो हैं लेकिन वो ऑपरेटिंग गेन नहीं है। मेरा काम क्या है? मैं आपको टीच करता हूँ, यूनिवर्सिटी मुझे पे करती है, ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी कार बेच दी और उसमें गेन हुआ, तो वो गेन तो होगा लेकिन वो ऑपरेटिंग गेन नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऑपरेटिंग गेन नहीं होगा तो इनकम स्टेटमेंट वाला तो उसको रिकॉर्ड करेगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। क्यों? कि मेरा जो पहला सेक्शन है कैश फ्लो का, वो सेक्शन कहलाता है ऑपरेटिंग सेक्शन कहलाता है, ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ कैश फ्लो, और उसमें हम ऑपरेटिंग डेटा लेते हैं, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग डेटा नहीं लेते। तो अगर कोई गेन हो रहा है तो हम उस गेन को माइनस कर देंगे 41 की जो नंबर है इसमें से। अगर कोई लॉस हो रहा होता तो हम लॉस को ऐड बैक कर देते। अगर गेन हो रहा है तो हम गेन को क्या करेंगे? गेन को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर गेन प्लस हुआ था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं और वो भी कैश आइटम नहीं है, मिसाल के तौर पर अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेमेंट, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये वो तमाम आइटम हैं कि अगर इनमें चेंज आएगा तो वो जो दो बैलेंस शीट हमारे पास मौजूद हैं उन दोनों बैलेंस शीट से हमें पता चल जाएगा कि क्या चेंज आ रहा है। साथ वो सवाल दिखाइए आप ज़रा। तो अब उससे जब वो ये पता चल जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस से हम क्या करेंगे, उन चेंजेस को हमको रिकॉर्ड करना है अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। यू गेट द पॉइंट? वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे अकाउंट रिसीवेबल की लास्ट ईयर फिगर थी फॉर एग्ज़ाम्पल 13, और इस साल हमारा वो हो गया 23, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा तो उसका मतलब कैश कम हुआ। इसी तरह अगर इन्वेंट्री बढ़ी तो कैश कम हुआ, प्रीपेमेंट बढ़े तो कैश कम हुआ, और अगर घटे, अगर अकाउंट रिसीवेबल, अगर आप दोनों बैलेंस शीट को देखा आपने, पहली बैलेंस शीट और दूसरी बैलेंस शीट, उन दोनों में अकाउंट रिसीवेबल में चेंज इस तरह से आ रहा है रिसीवेबल में कि अकाउंट रिसीवेबल घटे तो कैश बढ़ा, अगर प्रीपेमेंट कम हुई तो कैश बढ़ा, अगर इन्वेंट्री कम हुई तो कैश बढ़ा। इसके बाद हमें क्या देखना होता है? फिर हमें देखना होता है जनाब अली करंट लायबिलिटीज़। अगर हमने उधार ख़रीदा तो उधार बढ़ा, तो हम देखेंगे उधार बढ़ा तो हम उसको कनेक्ट कर देंगे कैश के साथ, तो कैश भी बढ़ा। और अगर उधार कम हुआ, हमने रीपेमेंट की तो उधार कम हुआ, तो उधार कम हुआ उसका मतलब हमारा कैश भी कम हुआ। तो सारे स्टूडेंट्स सुने कि इस सेक्शन में हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाना है, वो जो कि अक्रूअल बेस का है, और उसको हमको कन्वर्ट करना है कैश बेस्ड प्रॉफिट में। और वो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें नॉन कैश आइटम्स जो होंगे उनको ऐड बैक करना होगा, और अगर कोई लॉस या गेन है तो उनको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट वाले ने लॉस को माइनस किया था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। हम उस लॉस को लॉस मानते नहीं, क्योंकि वो लॉस ऑन नॉन ऑपरेशन का था, मिसाल के तौर पर लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, तो उस लॉस को हम ऐड बैक कर देंगे। अगर गेन है तो गेन को लेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हमें देखना होगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल में अगर कोई चेंज आ रहा है, मिसाल के तौर पर वर्किंग कैपिटल में एक चेंज आ गया, और उस चेंज की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास सिचुएशन ये आ गई कि पिछले साल जो था वो हमारे पास इन्वेंट्री की फ़िगर ज़्यादा थी, इस साल इन्वेंट्री की फ़िगर गिर गई, तो इन्वेंट्री इसका मतलब हमने बेच दी, तो इन्वेंट्री बेची तो पैसा आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो पहला सेक्शन है उस सेक्शन में हम तमाम इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं, किन के?
करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के, और हम तमाम उन चीज़ों को ऐड कर देते हैं, किन चीज़ों को, जो कि नॉन कैश बेस्ड होती हैं। इस तरीके से हम प्लस माइनस करके खेलते हैं। तो आखिर में इस सवाल में आपने देखा कि 41 के बाद 68 एक सवाल हमने क्रिएट किया है। असल में यूट्यूब के जो हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो ये सुने कि हमने एक सवाल क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास ओपनिंग जो नेट प्रॉफिट है वो 41 है, और उस ओपनिंग नेट प्रॉफिट 41 में जो कि अक्रूवल बेसिस पर निकला है, हमने डेप्रिसिएशन जो है वो 18 की, वो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो हमने इन्फॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट से ली है। अगर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होता तो 18 वहाँ लिखा होता, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारे अज्यूम फिगर हैं कि 18 हमारे पास डेप्रिसिएशन का फिगर है, फिर हमारे पास जो है एक गेन हुआ है सेल ऑफ प्लांट पे, उस पर जो गेन हुआ है उस गेन को उसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी भी करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा तो वो हम यहाँ पर कैश का डिक्रीज दिखाएंगे, करंट एसेट्स में डिक्रीज होगा तो हम कैश का इंक्रीज दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज होगा तो हम कैश में इंक्रीज दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज होगा तो हम कैश में डिक्रीज होगा तो हम कैश में डिक्रीज दिखाएंगे। और ये सारा इंक्रीज डिक्रीज का डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हमें 2 साल की बैलेंस शीट गिवन हो तो यहाँ हमारे अज्यूम फिगर हैं। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये था इनडायरेक्ट मेथड से। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊँगा और मैं बात करूँगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेट करती हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स के साथ। नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को कहते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एसेट एक्वायर्ड किया, एक्विजिशन की, तो पैसा कम हुआ। अगर हमने कोई एसेट बेच दिया तो पैसा बढ़ा, बॉटम लाइन। हमें इस सेक्शन में सिर्फ 2 बातें देखनी है। वो 2 बातें क्या हैं, अगर, और वो 2 बातें सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के साथ हैं, यानी नॉन करंट एसेट के साथ हैं, कि अगर नॉन करंट एसेट बढ़ता है तो कैश कम होता है, अगर नॉन करंट एसेट जो है वो कम होता है तो कैश बढ़ता है। मिसाल के तौर पर हमने बिल्डिंग बेच दी, पैसा आ गया। अब वो बिल्डिंग कितने की थी वो हमें नहीं देखना, हमें पैसा कितना आया वो देखना है। और अगर हमारे पास डायरेक्टली वो हमें ये नहीं बता रहा कि पैसा कितना आया और कितना गया ऐसे, या कितने का ख़रीदा या बेचा, तो फिर हमें उस स्पेसिफिक फिक्स एसेट का, नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और टी अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, जो डिस्पोज ऑफ किया हमने उसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट क्रेडिट साइड पर लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह हमें परचेज की फिगर आ जाएगी डेबिट साइड पर, हमें पता चल जाएगा कि हमने एसेट कितने का परचेज किया। इस तरीके से आप प्लस माइनस जब करा हमने, तो इस सवाल में हमारे पास 255 की एक अमाउंट आई, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आई है। तो बॉटम लाइन क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेट टू सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और उसमें पैसा आना और जाना हम दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है उसमें हम सिर्फ 2 बातों को देखेंगे। नंबर 1, अगर हमने कोई शेयर इशू किए तो पैसा आया। कंपनी शेयर इशू करती है ना, लोगों को इन्वेस्टर बनाती है, तो शेयर इशू किए तो पैसा आया। और अगर शेयर्स रिडीम किए, रिडीम का मतलब होता है बाइंग बैक, अगर बाय बैक किए तो पैसा गया। इसी तरह रिडेम्पशन ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर हमने लोन की रीपेमेंट कर दी, लॉन्ग टर्म लोन की हमारी रीपेमेंट हो गई, तो इसका मतलब पैसा गया। और अगर हमने कोई नया लोन लिया तो पैसा आया। इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी डिविडेंड्स देती है तो IS-7 ये कहता है कि इन डिविडेंड को आपने जो है वो किस तरह दिखाना है, किस जगह दिखाना है, वो अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी दिखा सकते हैं और आप उसको जो है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखा सकते हैं। टैक्स की पेमेंट जो है वो भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखा सकते हैं। इस तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आप टोटल लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो फाइनली आपके पास जो जवाब आ गया वो जवाब जो होगा वो होगा इंक्रीज और डिक्रीज या इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बाय इन्वेस्टिंग बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और फाइनली आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल जो इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, इसके बाद आप लेंगे जनाब अली आपका इन्वेस्टिंग का और फिर फाइनेंसिंग का, इन सब का जमा कर लेंगे तो आपके पास नेट इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, आई होप सो थिंग्स आर क्लियर। अगर आपको कुछ पूछना हो आप मुझे ईमेल शूट कर सकते हैं, accountsteacher@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम।